दोस्तों, ये वीडियो बस आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि भारत में इनहेरिटेंस लॉ या फिर वास्तविक संपत्ति का कानून हमें किन किन चीज़ों का अनुमति देता है और किन का नहीं, जो आई थिंक एज अ एजेंट, इन्वेस्टर या फिर डेवलपर आपको जानना चाहिए बेसिक ज्ञान पाने के लिए। और हाँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप एक सर्टिफाइड वकील से डिस्कस कर लें। भारत में दोस्तों इनहेरिटेंस लॉ धर्म के अधीन में निर्णय किया जाता है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो अप्लाई होता है हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन्स के लिए और सिक्स के लिए, मुसलमानों के लिए एक एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए एक अलग एक्ट है। प्रॉपर्टी में जो कुछ भी होता है इनहेरिटेंस में, वो सब कुछ निर्णय किया जाता है धर्म के अधीन में इंडिया में। यहाँ पे दो चीज सामने आता है, सेल्फ एक्वायर्ड एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने खुद प्रॉपर्टी को खरीदा है तो वो होता है सेल्फ एक्वायर्ड, और आपने अगर अपने पिताजी से, अपने दादा से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है तो वो होता है इनहेरिट प्रॉपर्टी। मतलब आपके पिताजी की डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनर, मालिक आप बन जाते हो, उसे कहते हैं इनहेरिट प्रॉपर्टी। पर दोस्तों, जब तक डेथ नहीं होता आपके पिताजी का, आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ये इंडियन लॉ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जॉइंट फैमिलीज में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, अगर होता है तो वो बन जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर बंटवारा नहीं होता और डायरेक्टली आप उसे इनहेरिट करते हो तो वो बन जाता है इनहेरिट प्रॉपर्टी, मतलब उत्तराधिकारी। पर दोस्तों, आपको एक ऑनलाइन पे फॉर्म फिलअप करना होगा, सबमिट करना होगा, ये बताने के लिए गवर्नमेंट को आप इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी हो, आप एक हेयर हो, आपको इसे सबमिट करना होगा ऑनलाइन पे, तभी ये लीगल बनेगा। नाउ डॉटर्स के लिए ये लॉ बहुत अलग होता है हर एक धर्म में। जैसे 2005 से पहले था, अगर कोई डॉटर बेटी शादी करके चला जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, पर अब उसे मिलेगा। वो एक बराबर हिस्सेदार बन जाता है एक बेटे जैसा, बेटा और बेटी समान समान हिस्सेदार बन जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, चाहे शादी हुआ हो या फिर ना हुआ हो, दोनों जगह पे ही वो क्लेम कर सकता है। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर पिताजी जीवित है फिर भी वो इनहेरिट कर सकता है, वो बेटी इनहेरिट कर सकता है पिताजी की प्रॉपर्टीज को विद इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन के अधीन में वो ये कर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फैमिली के अंदर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और मुसलमानों के लिए बेटी को मिलेगा हाफ ऑफ द मेल हेयर, अगर बेटा को मिलता है दो प्रॉपर्टी तो बेटी को मिलेगा एक प्रॉपर्टी। और क्रिश्चियंस के लिए बेटा और बेटी दोनों सेम है, दोनों को ही समान रूप से प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इंडिया में जो वास्तविक संपत्ति का कानून है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक अच्छे वकील से डिस्कस जरूर करना एंड देन आगे बढ़ना। अगर आप बाकी के सारे कानूनी चीजों को समझना चाहते हो, जैसे GST, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और जितने भी है, उसके लिए आप ये दो वीडियो देख लो। एज एन एजेंट, इन्वेस्टर या फिर डेवलपर आपको बहुत मदद मिलेगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों।